हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम उत्तराखंड राज्य के जिलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अगला भाग देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जसपुर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो जसपुर प्राचीन काल में शाह जाफर नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि प्राचीन नागनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो प्राचीन नागनाथ मंदिर स्थित है चंपावत जिले में। कहाँ स्थित है? चंपावत जिले में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्वतपदीय नगर नहीं है? तो निम्न में से दे रखें कोटद्वार, हरिद्वार, ये पर्वतपदीय नगर हैं, लेकिन रुद्रपुर इनमें से पर्वतपदीय नगर नहीं है। अगला प्रश्न है कि पंडित राम शर्मा आचार्य के शांति कुंज संस्थान की स्थापना कब की गई? तो पंडित राम शर्मा आचार्य के शांति कुंज संस्थान की स्थापना 1971 में 1971 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर कौन सा स्थल स्थित है? तो गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है ऋषिकेश। अगला प्रश्न है कि 1957 में 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी खनेति द्वारा किस मंदिर का पुनरुद्धार किया गया था? तो सुदर्शन शाह की पत्नी खनेति द्वारा विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किया गया था। पाँचवें केदार का नाम क्या है जहाँ भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है? तो पाँचवें केदार का नाम है कल्पेश्वर, यहाँ भगवान शिव के जटाओं की पूजा होती है। अगला प्रश्न है कि गुप्त काशी रुद्रप्रयाग से कितना किलोमीटर दूर स्थित है? तो गुप्त काशी रुद्रप्रयाग से करीब 42 किलोमीटर दूर स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। कौन सी नदी का? भिलंगना नदी का। कौन सा मंदिर महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली माना जाता है? कोट महादेव मंदिर महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली माना जाता है। अगला प्रश्न है कि ढिकुली नामक स्थान से किस काल की मूर्तियां पाई गई हैं? तो ढिकुली नामक स्थान से बौद्धकालीन मूर्तियां पाई गई हैं। अगला प्रश्न है जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है? तो जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुनस्यारी नामक स्थान को। आगे बात करते हैं, सरयू और गोमती नदी के संगम पर कौन सा शिव मंदिर स्थित है? सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है बागनाथ मंदिर। ठीक है, सरयू और गोमती नदी के संगम पर। अगला प्रश्न है, देवी धुरा में बग्वाल मेला किस अवसर पर होता है? तो देवी धुरा में बग्वाल मेला रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित किया जाता है। द्रोण सागर किस स्थान पर स्थित है? तो द्रोण सागर स्थित है काशीपुर नामक स्थान पर। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है। अगला प्रश्न है कि कण्व आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कण्व आश्रम स्थित है मालिनी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है? उत्तर का वाराणसी कहा जाता है बागेश्वर को। बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरिद्वार गंगा नदी के किस ओर स्थित है? तो हरिद्वार गंगा नदी के दाएं तट पर नील और बिल पर्वतों के मध्य स्थित है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।